हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 3rd of September। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान विच वॉज इन द न्यूज़ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही की खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया। आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद या गुवाहाटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको लागू किया गया है मुंबई शहर में। सो ओवर 5,000 माइनर्स रेस्क्यूड बाय मुंबई पुलिस सो फार दिस ईयर अंडर ऑपरेशन मुस्कान अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोजेक्ट। और इसका एम है टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रेन एंड रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेट देम। मोर Children were rescued by the Mumbai police till August of this year than those rescued in the past 5 years combined. तो जो बच्चे मिसिंग होते हैं उनकी खोज से संबंधित है ऑपरेशन मुस्कान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट डिक्लेयर्ड विच डे एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, कैबिनेट ने भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। आपके ऑप्शंस हैं 20 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त या फिर 27 अगस्त। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये घोषित किया गया है 23 अगस्त को। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को घोषित किया है नेशनल स्पेस डे। सो यूनियन कैबिनेट यूनियन कैबिनेट हैज़ डिक्लेयर्ड अगस्त 23 एज नेशनल स्पेस डे टू कमेमोरेट चंद्रयान 3's सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून। एंड द कैबिनेट ऑल्सो अपलोडेड द डेजिग्नेशन ऑफ 2 मून लोकेशंस, जिसमें से एक तो है तिरंगा पॉइंट जहाँ पे चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग पॉइंट है, और शिव शक्ति पॉइंट उसे नाम दिया गया है जहाँ पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who recently won the BCCI's media rights to become a dominant player in cricket broadcasting? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में क्रिकेट प्रसारण के लिए BCCI मीडिया अधिकार किसने प्राप्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, स्टार इंडिया, वाईकॉम इंडिया या फिर ESPN। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मीडिया राइट जीता है वाईकॉम 18 ने। सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, वाईकॉम 18 बिड द हाईएस्ट इन द बोथ स्पेयर्स बीटिंग डिज्नी स्टार एंड सोनी एंड एक्वायर्ड द राइट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5,963 करोड़ रुपीज। एंड दिस मीन्स दैट ऑल बायलेटरल गेम्स इन्वॉल्विंग इंडिया प्लेड इन द कंट्री अलॉन्ग विद द डोमेस्टिक क्रिकेट विल नाउ बी ऑन द वाईकॉम 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ न्यूट्रिशन मंथ 2023 एज स्टेटेड बाय यूनिसेफ। आपसे पूछा जा रहा है, यूनिसेफ द्वारा मनाए गए पोषण माह 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, फिजिकल फिटनेस फॉर एवरीवन, ग्लोबल फूड सस्टेनेबिलिटी या फिर न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। आपसे पोषण माह का विषय पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी थीम है हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। सो नेशनल न्यूट्रिशन वीक की बात करें तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली इन इंडिया फ्रॉम September 1 to 7। एंड दिस डेडिकेटेड वीक एम्स टू रेज अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वाइटल रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्टिवेटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। इस वर्ष की थीम हमने देखी, इस वर्ष की थीम है हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। आप ध्यान रखेंगे कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है 1st to 7th September के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 81st प्लेनरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी। आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं
पूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं भूटान, फ्रांस, इंडिया या यूएसए। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी मेजबानी करेगा भारत देश। सो इंडिया इज होस्टिंग द 81st प्लेनरी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी एंड कॉल्ड अटेंशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड मेंबर्स टू मेक इट अ सक्सेस। 81st प्लेनरी मीटिंग ऑफ ICAC विल बी होस्टेड फ्रॉम 2nd टू 5th ऑफ दिसंबर 2023 इन मुंबई विद द थीम ऑफ कॉटन वैल्यू चेन लोकल इनोवेशंस फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। तो आप ध्यान रखेंगे जो 81st प्लेनरी मीटिंग है उसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट ऑफ द US हैज़ डिक्लेयर्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। आपसे पूछा जा रहा है अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। आपके ऑप्शंस हैं कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, अटलांटा या फिर फ्लोरिडा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा करने वाला US का राज्य है जॉर्जिया। सो द US स्टेट ऑफ जॉर्जिया हैज़ डिक्लेयर्ड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ टू सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेंट हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी टू द स्टेट्स प्रोग्रेस। एंड द प्रोक्लेमेशन एडेड दैट हिंदुइज्म इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड विद 1 billion devotees worldwide and approximately 3 million in the US. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर पूर्व भारत का कौन सा राज्य आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा करने वाला राज्य है नागालैंड। सो नागालैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू इनिशिएट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड दिस पायनियरिंग इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रीमलाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन बाय इंटीग्रेटिंग आधार इनरोलमेंट फॉर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 5 years। तो आप ध्यान रखेंगे आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया है नागालैंड। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही, धन्यवाद।